अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली है और मैं आपसे ये कुछ शेयर कर रहा हूँ। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। हम बहुत सारे तकारीर में, बहुत सी बातों में हम ये सुनते हैं कि मरकज़ निगाह बच्चा है और अब ये नई तालीम जो है ये लर्नर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि जब ये लर्नर सेंटर्ड होगा टीचर सेंटर्ड से तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो फ़र्क जो पड़ने वाला है ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है और हम एक एक करके इसको देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो तैयार रहिए, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड में क्या फ़र्क है मिसालों के ज़रिए। पहली बार आप मिसालें देखेंगे, कंक्रीट एग्जांपल्स। तो लेट्स सी, ये एक नोट है और ये एक टेबल मैंने लिया है जो कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। तो इसमें एक है नॉलेज में क्या फ़र्क आएगा, ये फ़र्क आएगा। ट्रांसमिटेड बाय इंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पैसिव होगी टीचर सेंटर में, एक्टिव होगी लर्नर सेंटर में। रोल ऑफ प्रोफेसर क्या होगा, लीडर होगा या अथॉरिटी होगा टीचर सेंटर में। फैसिलिटेटर या लर्निंग पार्टनर होगा लर्नर सेंटर में। रोल ऑफ असेसमेंट होगा, फ्यू टेस्ट मेनली फॉर ग्रेडिंग और यहाँ पे होंगे मेनी टेस्ट फॉर ऑनगोइंग फीडबैक। एम्फेसिस किस बात पे होगा, लर्निंग करेक्ट आंसर्स टीचर सेंटर्ड में, जबकि लर्नर सेंटर्ड में होगा डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट मेथड क्या होगा, यूनिडाइमेंशनल टेस्टिंग होगी टीचर सेंटर्ड में, मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट्स होगी लर्नर सेंटर्ड। आखिर में हम एकेडमिक कल्चर देखेंगे जो कि टीचर सेंटर्ड में इंडिविजुअलिस्टिक एंड कम्पिटेटिव, वाइल इन लर्नर सेंटर्ड में कोलाबरेटिव एंड सपोर्टिव। तो एक एक करके आपको कंक्रीट एग्जांपल्स देंगे और ये नॉलेज के हवाले से, तो नॉलेज के हवाले से क्या फ़र्क होगा बिटवीन टीचर सेंटर्ड मॉडल एंड लर्नर सेंटर्ड मॉडल में। तो टीचर सेंटर्ड मॉडल में ये होगा कि टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड के साथ खड़ी होगी और ये एक अथॉरिटी वाला रोल है। फ्रंटल टीचिंग इसको कहते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड के साथ हो, सब क्लास को उसी जगह से मॉनिटर कर रही हो और मतलब है कि अपने तौर से कुछ नॉलेज जो है वो बच्चों को इम्पार्ट कर सके और ताकि बच्चे उनको एब्जॉर्ब कर सके, ले सके और फिर बाद में बच्चे उनको वापस पेपर्स में लिख दें, या इस तरह टीचर सेंटर्ड मॉडल है। जबकि इसके बरकस जो लर्निंग सेंटर मॉडल है उसमें नॉलेज जो है इट इज़ क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स बाय देमसेल्स। ये स्टूडेंट्स आपस में टीचर की फैसिलिटेशन में काम करके उसको इलम को हासिल करते हैं, उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर दैट इन दिस मॉडल नॉलेज इज ट्रांसमिटेड बाय टीचर, वाइल इन दिस मॉडल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच। चलते ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन क्लासरूम में क्या होगी, पैसिव। ये बिल्कुल बैठे रहेंगे अपने डिस्क्स पर, जिस तरह तितलियां किसी ने बड़े बोर्ड पे लगाई हुई हों, मुर्दा तितलियां उसी तरह से बैठे होंगे, सीधा देख रहे होंगे और टीचर जो कह रहे होगा उस पे सर हिलाएंगे और या ऊपर नीचे देखेंगे। इसके बरकस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो लर्नर सेंटर्ड मॉडल, अब यहाँ पे जो इस साइड पे होगा वो टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे जो साइड पे होगा ये स्टूडेंट सेंटर्ड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड में एक्टिव
तलबा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो इस तरह नहीं है कि वो तितलियों की तरह बैठे रहते हैं। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, ये इसको ले आते हैं, इसको ले आते हैं, इसको, ठीक है, ये यहाँ पे रोल ऑफ टीचर होगा, टीचर सेंटर्ड में अथॉरिटी वाला, उसके हाथ में डंडा होगा, वो बच्चों को स्टक ऑफ करेगा, जुर्माना करेगा, क्लास से निकालेगा, निकालेगी, और एक किस्म की हेबतनाक किस्म का तसव्वुर होगा कि जब जैसे ही टीचर दाखिल हो तो सारे खामोश हो जाएं, कब्रिस्तान जैसा माहौल हो। इसके बरकस जो लर्नर सेंटर्ड मॉडल है उसमें टीचर फैसिलिटेटर होगा, ये टीचर है इसमें, ये इसको फैसिलिटेट कर रही है ये टीचर, और इसके बदले में वो क्या कर रही है, वो डरा रही है। तो ये फर्क है टीचर सेंटर्ड में एंड लर्नर सेंटर्ड मॉडल में। एक और फर्क, रोल ऑफ असेसमेंट, रोल ऑफ असेसमेंट होगा टीचर सेंटर्ड में, क्या होगा टीचर सेंटर्ड में होगा टेस्ट फॉर ग्रेडिंग, उसमें अवार्ड लिस्ट बनाएंगे कि फलां बंदा ने इतने नंबर लिए, फर्स्ट ये आया है, सेकंड ये आया है, थर्ड ये आया है, तालियां बजाओ, इनको इनाम दो, वो दो, ये दो, ये होगा टीचर सेंटर्ड में। और ये लर्नर सेंटर्ड में टेस्ट होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉर ऑन गोइंग फीडबैक, ये बच्चों से सवालात होंगे और ये सवालात हल करेंगे, टीचर उसको देख रहा होगा, टीचर उसकी करेक्शन करेंगे, बच्चे को समझाएंगे कि ये स्टेप गलत है, ये स्टेप ठीक है। तो इसको कहते हैं टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और ये टीचर सेंटर्ड, रोल ऑफ असेसमेंट। तो आगे जाते हैं, एम्फेसिस क्या है, जोर किस बात पर है, जोर टीचर सेंटर्ड में जोर है किस बात पे, लर्निंग करेक्ट आंसर, बच्चे को किसी खामोश जगह पे बैठकर बहुत सारे सवालात याद करने हैं, 45 सवालात याद करें, 13 सवालात याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, करेक्टर्स याद करें, ये एक परसूदा टीचर सेंटर्ड मॉडल है। इसके बरकस जो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल, उसमें है डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग, एम्फेसिस किस पर बात पर है, डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, इनके दरमियान जो मुकालमा है वो है डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसने इस तरह नहीं कि कुछ सवाल दिए हैं और ये बेचारा रट्टा लगा रहा है, ये वाला काम यहाँ पर नहीं होता। तो ये फ़र्क है। आगे असेसमेंट मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड में यूनिडायमेंशनल होगा। यूनिडायमेंशनल का मतलब ये है कि बच्चा ने कितने सवालात याद किए हैं, तो यूनिट फर्स्ट फिजिक्स के कितने सवालात याद किए हैं, उसने फर्ज करे 3-5 में से 3 सवालात टीक लिखें तो उसको इस हिसाब से नंबर मिलेंगे। ये एक सीधा साधा असेसमेंट मेथड है यूनिडायमेंशनल। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड में मल्टी डायमेंशनल टेस्टिंग और असेसमेंट होगी, उसमें थिंकिंग, एप्लीकेशन, डिसिप्लिन, स्किल्स, एटीट्यूड और उसकी जो रीजनिंग की स्किल है, जो मेटाकॉग्निशन है, वो सब के बारे में वो मालूम किया जाएगा कि बच्चा रवैया क्या है, ये सारी बातें। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट मेथड्स, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल में इस्तेमाल होते हैं। ये आखिरी है, आखिरी ये है कि एकेडमिक कल्चर क्या होता है। एकेडमिक कल्चर होता है एक दरसगाह, तालीमी इदारे का, स्कूल का, कॉलेज का जो माहौल है, जो एक दिन का माहौल नहीं बल्कि सालों का एक माहौल है, वो किस तरह होगा टीचर सेंटर्ड मॉडल में। टीचर सेंटर्ड मॉडल में होगा इंडिविजुअलिस्टिक एंड कम्पिटिटिव, प्रिंसिपल वर्सेस स्टाफ। प्रिंसिपल जब कला स्कूल में होगा तो ये स्टाफ जो है ना, ये दबाव फील करके खामोश रहेंगे, जब ये नहीं होगा तो उस असातिज़ा जो है, स्टाफ जो है, वो
फ्री फील करेंगे और डिस्टर्बेंस होगी। तो ये वन वर्सेस अगेंस्ट वन वर्सेस अ टीम, तो ये एक मॉडल होता है। प्रिंसिपल कुछ कहता है, स्टाफ कुछ और कहता है। प्रिंसिपल अगर उनको कहे कि बच्चों के साथ मेहनत करे, उसको न मारे, तो फिर ये जो स्टाफ है वो बच्चा आपस में सलाह मशवरा करके प्रिंसिपल के सामने भेज देते हैं, चलो प्रिंसिपल आपको छुट्टी देंगे, जाओ प्रिंसिपल के सामने जाओ, उनको तंग करो। तो ये एक किस्म का इंडिविजुअलिस्टिक एंड कम्पिटिटिव होता है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है, बाकी जो स्टाफ जो है ये मुझसे कम इलम रखते हैं और ये काम चोर हैं, सिर्फ मैं काम करना जानता हूँ ये। तो ये एक किस्म का मॉडल होता है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर में ये मॉडल होता है कोलाबोरेटिव एंड सपोर्टिव। ये प्रिंसिपल है, ये टीचर्स हैं, इनके आपस में एक वीकेंड मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या तो पाया जा रहा है कि बच्चे के लिए लेसन प्लानिंग क्या होगी, ये करिकुलम डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह काम करेंगे, किस तरह मिलजुल कर मसाइल का हल निकालेंगे। तो ये हुआ पूरा डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर मॉडल की। थैंक यू। माय नेम इज़ ज़ुल्फ़िकार अली, आई एम एसएस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्माइला।